मुजफ्फरनगर की एक बैठक कार्यालय मुजफ्फरनगर 955 जनकपुरी महमूदनगर पर आहूत की गई, जिसमें जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र भी दिया गया, जिसमें शहर मुजफ्फरनगर में चल रही टैक्सी गाड़ियां हैं जो राज्य सरकार को विभिन्न प्रकार का टैक्स समय समय पर देती हैं, फिर भी टैक्सी गाड़ियों का निजी प्राइवेट गाड़ियों से टैक्सी गाड़ियों का चलन पूरी तरह से बंद कर रखा है। जनपद मुजफ्फरनगर में अन्य विभिन्न क्षेत्रों व लोकल व्यक्तियों व आसपास के गांव के व्यक्तियों ने अपनी निजी गाड़ियों को टैक्सी के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे प्रोफेशनल टैक्सी गाड़ी मालिका चालकों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। उक्त संबंध में जनपद मुजफ्फरनगर व आसपास के गाँव के व्यक्तियों को निजी गाड़ियों को टैक्सी के रूप में चलाए जाने पर प्रतिबंधित किए जाने हेतु मांग की गई है। अवगत हो कि अगर एक माह के अंदर प्राइवेट गाड़ियों को निजी तौर पर टैक्सी के रूप में चल बंद नहीं किया गया तो मुजफ्फरनगर टैक्सी एसोसिएशन मुजफ्फरनगर श्रीमान जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन हेतु मजबूर होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इस मौके पर मोहम्मद जावेद काजी, मोहम्मद अफसर, मोहम्मद नौशाद दानिश, आशिफ गुलशेर, सादी लजात, ताली मोहम्मद कवार आलम आदि टैक्सी एसोसिएशन के बहुत से लोग उपस्थित रहे। मेरा नाम मोहम्मद दिलशाद अब्बासी है। मैं मुजफ्फरनगर टैक्सी एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूं। मैंने आज माननीय डीएम साहब को ज्ञापन दिया है, मुख्यमंत्री साहब को भेजने के लिए। मेरा ज्ञापन ये है, हम टैक्सी गाड़ी मालिक टैक्सी ड्राइवर हैं, हमारी मांगे हैं जो मुजफ्फरनगर व मुजफ्फरनगर के आसपास के जो गांव हैं उन पे जो अपनी प्राइवेट निजी गाड़ी टैक्सी में चलाते हैं वे प्रतिबंधित हैं, पूरे तरीके से मैं प्रतिबंधित हूँ। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं जब हम समय समय पर सरकार को विभिन्न प्रकार के टैक्स देते हैं तो हमारी मांग ये है इस चीज़ को जो भी ये प्राइवेट निजी गाड़ी हैं ये प्रतिबंधित हों। अगर ये प्रतिबंधित नहीं होता तो हम इसका प्रदर्शन एक महीने का टाइम दे रहे हैं। इस चीज़ को मामला इस तरह की दिक्कत आ रही है, दिक्कत इस तरीके की आ रही है, लॉकडाउन के चलते हमारी गाड़ी कंटिन्यू जब से ही खड़ी हुई है, हम अपनी गाड़ी चला भी नहीं पा रहे और प्राइवेट गाड़ी वालों ने जगह जगह पर टैक्सियों में गाड़ी चला रहे हैं, प्रतिबंधित हों।